अस्सलामुअलैकुम। जिस तरह आपको हर एपिसोड में हर बार एक नई पर्सनालिटी, एक नए इंसान से मुलाकात कराते हैं जो कि किसी ना किसी तरीके से मुर्शिद हॉस्पिटल से एफिलिएटेड हैं, इसको हेल्प करते हैं किसी भी तरीके से, ताकि हम आपको बता सकें मुर्शिद हॉस्पिटल जो कि एक 300-bedded हॉस्पिटल है, जो कि सबसे बड़ी बात ये पाकिस्तान में ये वाहिद हॉस्पिटल है जो कि दो प्रोविंसेस को कैटर कर रहा है, ऐसे बॉर्डर पर है ये, जो कि बलोचिस्तान और सिंध दोनों को कैटर करता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सेहत सहूलत कार्ड है जिसकी वजह से हमारे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं, और आई एज अ डॉक्टर, एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट मुझे बहुत फ़ख्र होता है कि मैं यहाँ का हिस्सा हूँ कि हम डायरेक्टली हेल्प कर सकते हैं। तो आज आपकी मुलाकात एक और पर्सनैलिटी से कराते हैं जो कि बहुत अच्छे पर्सन तो हैं ही, बाकी हेल्पफुल भी बहुत है, और सबसे बड़ी बात यह है कि अंडरस्टैंडिंग है। हमारे साथ इन्होंने एक प्रोग्राम किया है, पहले भी करते रहे, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से इसको प्रेजेंट किया है। ये अच्छी बात है कि एक अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। तो आइए चले मिलते हैं विल्सन हेल्थ केयर के सीनियर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर मिस्टर तैमूर खान से। अस्सलाम वालेकुम तैमूर, कैसे हैं आप? सो नाइस ऑफ यू टू कम टेक आउट टाइम। आज तैमूर साहब ने बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम कराया मिस डॉक्टर खिजरा के साथ, जो कि विल्सन हेल्थ केयर का था। ये कैल्शियम और फॉलिक एसिड के ऊपर था, और ऑफकोर्स इसकी हम सबको ज़रूरत होती है। सो पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ साथ आपका बहुत बड़ा एक कॉन्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि मैं आपको बार बार बताना चाहता हूँ कि इनकी इस कंपनी ने हमें बेपनाह सैंपल्स दिए थे, और जब हम डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे गए सिंध के दौरे में, ख़ास तौर पे जहाँ पे बहुत गुर्बत है, जहाँ पे लोगों के पास बिल्कुल बेसिक नीड नहीं है, उन्होंने इनके सैंपल्स की वजह से हमें बहुत फ़ख्र हुआ कि हम पेशेंट्स को दवाइयाँ दे सकें। इनका कैल्शियम भी इन्होंने दिया था हमें, इन्होंने हमें अपना ग्रीन फॉलिक एसिड भी दिया था, मुझे अभी तक याद है कि मैंने बहुत दिल खोल के बांटा कि उन्होंने इतनी मकदार में हमें दिया था, और बेसिकली यही दो प्रॉब्लम्स थी जो पेशेंट्स सबको हो रही थी। तो तैमूर साहब हमें कुछ बताइए अपनी कंपनी के बारे में, आपकी प्रोडक्ट्स के बारे में, आपकी दोनों ही प्रोडक्ट्स बेइंतहा इंपॉर्टेंट हैं, तो प्लीज़। सबसे पहले आपको सलाम, और तमाम देखने वालों को सलाम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सलाम के बाद दो प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, एक तो डेली कैल है। डेली कैल की ब्यूटी ये कि डेली कैल एफर वेस्टर्न फॉर्म में पाकिस्तान का वाहिद ब्रांड है जो कि विटामिन K2 के साथ है। स्विस ऑरेंज फ्लेवर है, डबल कैल्शियम है, विच इज़ 1327 मिलीग्राम। इसके साथ साथ क्वार्टर फॉलिक की अगर बात की जाए तो क्वार्टर फॉलिक में वी हैव ग्रीन फॉलिक। ग्रीन फॉलिक सॉफ्ट जेल फॉर्म है, क्वार्टर फॉलिक में बेशुमार ब्रांड है, फॉलिक एसिड में बेशुमार ब्रांड है, लेकिन ग्रीन फॉलिक की ब्यूटी ये कि वो सॉफ्ट जेल फॉर्म में फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान है। ये दो प्रोडक्ट्स हैं। बाकी इसके साथ साथ आपने सैम्पल्स की बात की, लेकिन सैम्पल्स मेरा और आपका, हम सबको एंड का जो ऑब्जेक्टिव है, जो मेन ऑब्जेक्टिव है, वो तो यही है कि लोगों की खदमत करना। अल्लाह पाक ने, अल्लाह ताला ने हुकूक अल इबाद को बहुत अहमियत दी है, ठीक है, एक बात। इसके साथ साथ हमने मुर्शिद हॉस्पिटल कराची में मल्टीपल टाइम्स, मैंने खुद मेरी कंपनी के बिहाफ पे मैंने BMD कैंप्स हमने अरेंज करवाए, और एक नहीं पता नहीं एक कोई मेरे ख्याल में कोई एक साल में कोई 3 से 4 बार हमने BMD कैंप्स अरेंज करवाए, और जब जब आपकी मैनेजमेंट या आपकी एडमिन हमसे कांटेक्ट करती है, हम फौरन सैंपल्स भी उनको प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि मुर्शिद हॉस्पिटल वाहिद ऐसा इदारा है जो कि आवाम की फलव बहबूद के लिए बहुत काम कर रहा है। मैं तो खुद जा चुका हूँ कैंप्स में, तो मैं तो खुद फर्स्ट हैंड नॉलेज के साथ जाता हूँ, मुझे खुद बहुत खुशी होती है। और सीरियसली आपकी जब दवाइयाँ हम देते थे तो पेशेंट्स इतना खुश होकर दुआ देके जाते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स हम एज डॉक्टर को देखेंगे अगर दवाई ना हो तो पेशेंट्स का मेन अट्रैक्शन होता है कि उनको एटलीस्ट दवा तो मिल जाए ताकि वो दवाई स्टार्ट कर दें। तो आपकी दोनों दवाइयों की खासियत जो है वो बताइएगा हमारे व्यूवर्स को। अच्छा, डेली कैल की जो खासियत है वो ये कि पाकिस्तान में कैल्शियम तो बहुत सारे अवेलेबल है, बेशुमार कैल्शियम पाकिस्तान में अवेलेबल है। डेली कैल की जो खासियत है ना, एक तो ये कि डबल कैल्शियम है 1327 मिलीग्राम। जो मेन एज पॉइंट है, जो मेन खासियत है, खसूसियत वो ये है कि ये विटामिन K2 के साथ है। विटामिन K2 का रोल आप मुझसे बेहतर जानते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कैल्शियम, ये विटामिन K2 की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कैल्शियम को कैरी करना फ्रॉम ब्लड टू बोन, ये विटामिन K2 करता है। तो ये हमारी प्रोडक्ट की मेन ब्यूटी है। और आपकी सबसे अच्छी बात मुझे प्रोडक्ट ये लगी कि सिर्फ एक आपको गोली खानी है, दैट इज इनफ। यू नो अक्सर होता है दूसरे में सप्लीमेंट्स भी लेना पड़ते हैं, तो आपने जो मेन इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके एक आपने कंप्लीट पैकेज बना दिया है। ऐसे ही है जी। इसके साथ साथ जो क्वार्टर फॉलिक है वो सॉफ्ट जेल फॉर्म में 300 mcg और 600 mcg में अवेलेबल है, और सॉफ्ट जेल फॉर्म में होने की वजह से
सोलो करने में पेशेंट को बहुत ईजी है। अक्सर पेशेंट कहता है कि जो कैप्सूल का जो साइज है वो बड़ा है, तो सोलो करने में बहुत ईजी है, सॉफ्ट होता है तो आसानी से हो जाते हैं। ये तो बहुत ज़बरदस्त है। ऑफकोर्स तैमूर, आप माशाल्लाह सीनियर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अब मुझे पता है मोबाइल फ़ोन्स के आने से आपकी 24 आवर्स जॉब है हम सब की, कभी भी हमें कहीं पर भी कुछ भी पूछा जा सकता है, पकड़ा जा सकता है या बुलाया जा सकता है, क्योंकि ऑफकोर्स वी ऑल आर सर्विंग द ह्यूमैनिटी। तो अगर फ्री टाइम मिलता है तैमूर आपको, तो आप क्या करते हैं उस फ्री टाइम में? फ्री टाइम पहली बात है कि बहुत कम मिलता I'm sure, है आपने आपने ठीक फरमाया। और सेकंड ये कि मेरे लिए जॉब के बाद, हालांकि वैसे तो फैमिली नंबर वन पर होती है, लेकिन हमारे यहाँ ये कि प्राइवेट जॉब में और ख़ासतौर पे सेल्स की फील्ड में हाँ, तो जो भी मुझे टाइम मिलता है वो मैं फैमिली को देता हूँ। nice. चाहे वो मैं फैमिली में कहीं जाऊँ अपने ख़ानदान में, या कहीं घूमने फिरने के लिए जाऊँ, मतलब जो मेरा जो फ्री टाइम होता है, चाहे वो आधा घंटा हो या वो दो दिन हो, वो फैमिली के साथ ही मैं स्पेंड करता हूँ। कौन सी जगहों पे ज़्यादा जाना पसंद करते हैं? हम ज़्यादातर ये कि पोर्ट ग्रैंड जाते हैं, ठीक है, इसके अलावा ये आपका किसी मॉल में चले गए, लकी वन हम जाते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, और जितनी भी ऐसी जगह हैं जहाँ पर बच्चे खुश हो जाए, जहाँ प्ले लैंड हो बच्चों का और सेफ भी हो ना, देखिए ना क्लोज होता है तो सेफ भी रहता है, बहुत अच्छा, बिल्कुल सेफ हो और सेफ, बिल्कुल सेफ हो और सेफ के साथ साथ ऐसी वेन्यू जहाँ मुझसे ज्यादा मेरी वाइफ से ज्यादा बच्चे खुश हो मेरे, वहाँ बहुत अच्छी बात है। तो यू आर अ कंप्लीट फैमिली मैन, दैट्स लवली। मेरी वालदा का इंतकाल हो गया था 2010 में अब्बासी में नाजमाबाद, तो मेरी फैमिली में वालिद साहब ने मुझे अपने साथ रखा हुआ है, तो मेरी वाइफ है, मेरे वालिद मोहतरम है और मेरे दो बच्चे हैं, एक मेरा बेटा है जो ना वो 5 ईयर्स ओल्ड है और 2 ईयर्स ओल्ड मेरी बेटी है अफले खान और नौरिया, मेरे दोनों बच्चों के नाम। आप काफ़ी जगह जो ना वो आप जाते हैं, आपने लड़कों में अफलिक नाम नहीं सुना होगा, अफिक सुना है आपने, अफिक, अफलिक नाम पूरे पाकिस्तान में किसी का नहीं है, अफलिक। मैंने फेसबुक में याद है कि जो आते हैं ना पोलियो वाले, पोलियो मुहिम वाले, वो तक हैरान होते हैं, हमारे पास हजारों बच्चों के नाम है। इतना खूबसूरत नाम का मतलब जी जी, एक अफलिक और मेरी बेटी का नाम है नौरेहा। ये दोनों नाम क्योंकि जो पोलियो वाले थे जी, जो पोलियो वाले आते हैं ना डीएमसी वाले, सीएमसी वाले, अपना ये खैर केएमसी वाले, उनके पास लाखों नाम होते हैं, लाखों। वो कहते हैं हम फीमेल में नौरेहा और अफली खान ये हमने नाम नहीं सुने, हमारा आधा खानदान मलेशिया में कोताबारू में, कुआलालंपुर में, तो मेरे वालिद साहब मलेशिया पाकिस्तान, मलेशिया पाकिस्तान, हाँ, तो वहाँ पर हमारी दो फैमिली मेम्बर्स हैं, फीमेल में नौरेहा हैं और मेल में अफले खान है, तो उनके नाम अब्बू को पसंद आए थे, अब्बू ने कहा था मैं नाम रखूंगा, मैंने कहा ओके फाइन। जब नाम रख लिया तो उसके बाद मालूम चला कि ये नाम इस वक्त मैंने फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, पोलियो वाल, मैंने कहीं पर भी मैंने खैर नहीं सुने ये दो नाम लड़कों में, अफले खान अफिक है, अफले खान और नौरेहा तैमूर। इनके मतलब क्या है नामों के? अफलिक के जो मायने हैं वो फलक से हैं, बुलंदी के, और नौरेहा के जो मीनिंग है ना वो मुझे कंफर्म नहीं, वो मैं कंफर्म करूंगा अबू से, वालिद साहब को पता है, वालिद साहब ने जो ना ये नाम अच्छा, बहुत ही खूबसूरत नाम है। और देखिए नामों की बड़ी पहचान होती है आपके, जैसे हमारे मुर्शिद हॉस्पिटल का नाम जो है मुर्शिद, तो इसके ये एकदम स्पिरिचुअलिटी का फीलिंग आपको लाते हैं कि देयर इज स्पिरिचुअल इसके अंदर। हमारा एक मदरसा भी एफिलिएटेड है माशाल्लाह, वहाँ पे बहुत बच्चे कुरान शरीफ पढ़ते हैं, मुस्तफीद होते हैं, फ्री चीज़ें दी जाती हैं, तो हम लोगों को भी खुशी होती है कि ऑफकोर्स रिलीजन तो है ही सबसे इम्पॉर्टेंट, और साथ साथ हम इंसानियत तो दोनों को साथ लेके चल रहे होते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, इट वॉज इंडीड माई प्लेजर दैट यू ज्वाइंट माई सेशन टूडे। इंशाल्लाह अगले वीक फिर एक और पर्सनैलिटी, एक और डिग्निटरी जो किसी ना किसी तरीके से मुर्शिद हॉस्पिटल को हेल्प कर रहे हैं, उनको हम आपको डिस्कस करेंगे, उनसे बातें करेंगे। जब तक के लिए साइनिंग आउट, और आकाश अहमद मलिक।